गाइस, इस टाइम बज रहे हैं रात के 11:30, और आप सोच रहे होंगे रात के 11:30 बजे मैं क्या कर रही हूँ। मॉर्निंग में मुझे बहुत ज़्यादा कम टाइम मिलता है, और बाबू जग रही है, ये मूवी देख रहे हैं, इसलिए मैंने वॉइस ओवर नहीं की उस टाइम में, क्योंकि टीवी भी चल रही थी तो उतना नहीं अच्छा लगता, तो मैंने कहा चलो बाद में कर दूंगी। और ये मेरा कुछ प्लान नहीं था कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं, बट मैंने कहा कि यार ब्लॉग का मतलब यही होता है, जितना मैं काम करती हूं वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ नहीं शेयर कर पाती हूं, क्योंकि मेरा एक ही रूम है, फ़ोन को इधर से उधर करने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, और किचन भी बहुत दूर है, बाथरूम भी दूर है, तो सारी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ नहीं शेयर कर पाती हूँ। सब एक ही में होता ना तो आप खुद समझ सकते थे, क्योंकि मॉर्निंग में बिल्कुल टाइम नहीं मिल पाता है। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें मैं अच्छे से क्लीन कर रही हूँ, पहले मैंने एक कपड़े से किया, फिर दूसरे कपड़े से, और ऊपर के साइड में मैं रखूँगी दवाइयाँ, क्योंकि दवाइयाँ जो हैं, बाबू दवा की कीड़ा है, वो सारी दवाइयाँ पी जाती है। और रूम स्प्रे मैं नीचे रखूँगी, क्योंकि उससे उसको कोई मतलब नहीं है, वो नहीं छूती है। पहले तो फर्स्ट वाले में, सेकेंड वाले में, फिर धीरे धीरे पहुँचने लगी, अभी वाले में नहीं पहुंच पाती है, इसी वजह से मैं दूसरे वाले में, सेकंड वाले में मैंने ऑयल रखा है, रूम स्प्रे रखा है, और मेरी हिमालय की क्रीम थी, नाइट क्रीम थी, वो ख़त्म हो गई है, वो रखी हुई है, तो उस बाउल को मैं किसी न किसी चीज़ के लिए यूज कर लूँगी। और यहाँ पे मैं अपना सारा सामान निकाल कर रख रही हूँ, जो तामझाम क्योंकि इनकी वजह से, अभी मैं आपको फुर्सत में बाद में बताऊँगी। तो यहाँ पे कैमरा जो हिल रहा ना, बाबू कैमरा लेके भाग रही थी, फिर कैमरा लेके मतलब भाग गई थी, फिर मैं उसको लेकर आई छीन कर, तो रखी हूँ मैं, क्योंकि मेरा जो स्टैंड है, ट्राईपॉड, जब आप लेते हो ना उसके साथ जो मोबाइल हैंडल होता है ना, जिसमें फंसाया जाता है, वो उतनी अच्छी क्वालिटी का नहीं होता है, उसमें फ़ोन गिरने का चांस होता है, इसलिए आपको अलग से लेना पड़ता है। और मैं सोच ही रही हूँ, बाबू बहुत परेशान कर रही थी, यहाँ पे उसने काजल भी गिरा दिया, जो दिवाली वाले दिन हम काजल पारते हैं ना, वो मैंने एक डब्बे में रख रखा था, स्टील की थी, मम्मी भेजी थी, तो उसी में मैंने रखा हुआ था, तो बाबू गिरा दिए है ना, जो गोली से आपको डिबिया दिख रही, आ रहे हैं, तो बस इन्हीं सारी चीज़ों को क्लीन कर रही हूँ। और बहुत दिन से सोच रही थी, क्योंकि इस चीज़ को लेके इनसे भी बहुत दिन से बहस ही चल रही थी, वो बाद में बताऊँगी, सारी चीज़ें आप बोलोगे बाद में बताऊँगी, बाद में इसलिए क्योंकि आराम से बैठ कर फेस टू फेस मज़ा ही आता है ना कुछ और बताने में। तो यहाँ पर बाबू बहुत तंग कर रही थी, परेशान हो गई थी मैं, कुछ चीज़ें जो मेरी फालतू की हैं उनको मैं फेंक दूंगी, और मैं शादी में, यार खांसी आ रही है, शादी में भी गई थी तो चूड़ियां मैं जो रोज़ घर में दो दो कांच की चूड़ियां मैं डाल रहती हूँ, ज़रूरी होता है, तो वो मैंने निकाल दी थी, अभी मैं डाल ले रही हूँ। और यहाँ पे ये मेरा सारा सामान है इसके अंदर, जो मैं डेली यूज करती हूँ, तो इन सभी को अच्छे से मैं सेट कर देती हूँ, फिर आप लोगों से मिलती हूँ थोड़ी देर में, नहीं कल मिलती हूँ, ठीक है, बाय बाय, गुड नाइट। हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, मैं प्रीति, प्रीति मेकअप से। तो गाइस, इस टाइम बज रहे हैं 7:00 और मैं पी रही हूँ चाय, अगर आपको आना है तो आप भी आ जाइए, पी लीजिए, ये मेरी फर्स्ट चाय की चुस्की है, जो चुस्कियाँ लगा लगा कर हम पीते हैं चाय, ठंड आ चुकी है, ठंड में चाय पीने का कुछ और ही मज़ा है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मैं जा रही हूँ किचन में, 7 बज चुके, 8 बजे पापा आ जाएंगे, तो आलू बंडा यानी कि आलू वाली टिक्कियाँ बनानी है। चाय मेरी एक बन चुकी है, थोड़ी सी मैंने बनाई अपने लिए, इसके बाद फिर दोबारा बनाऊंगी जब मैं पकौड़ियाँ तलूंगी, पकौड़ियाँ क्या बस वही आलू की, उसी को फ्राई करूंगी, उतना इनफ होगा, काफ़ी बच गया था तो वो उतना ही हमारे लिए बहुत होगा। और इसके बाद मैं जाऊंगी किचन में, किचन में थोड़ी सी गर्मी होती है और इस टाइम ठंड लग रही थी, नहा कर आई हूँ, मिस्ट लिपस्टिक बिंदी काजल कल का है, काजल ज़्यादा नहीं निकालती हूँ मैं, क्योंकि मुझे काजल लगता है कि हाँ, वैसे भी बहुत से लोग बोलते थे, मम्मी वगैरह सभी बोलती थी कि रात में काजल को लगाकर ही सोना चाहिए, इसलिए मैं काजल पे ज़्यादा ध्यान नहीं देती निकालने पर, हाँ लेकिन लाइनर होता तो उसे निकाल लेती हूँ। चाय पानी हो गई, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा चुस्की ले लेके पीती, बहुत टाइम लगा देती हूँ, तब तक मेरी चाय बिल्कुल ठंडी हो जाती है, इसी वजह से मैं चाय कप में नहीं पीती, मुझे लगता है कि कप में चाय ज़्यादा ठंडी हो जाती है और ग्लास में देर में होती है, लेकिन बहुत से लोग बोलते हैं बहुत से लोग बोलते हैं नहीं, कप में देर तक मतलब गर्म में रहती है, ग्लास में ठंडी हो जाती है, बट मुझे क्या लगता है कि ग्लास में मेरी चाय चलती है, कप में तुरंत ही ठंडी हो जाती है, तो मुझे ऐसा लगता है, बाकी और नहीं बता सकती मैं, क्योंकि एक दो जगह जहाँ पर मेरे खास है वहाँ पर मैं गई थी, अरे बाद में बात करूंगी, बहुत देरों से आएगी, चलिए पहले किचन में चलती हूँ, फिर ठीक है आते हूँ, फिर लंबी सी बात करूंगी आप लोगों से, ठीक है।
तो गाइस यहाँ पर हम किचन में आ चुके हैं और ये आलू मैंने पहले ही, जब मैं चाय बनाई थी पहली वाली, उसे ही मैं निकाल के रख दी थी आलू, ताकि ठंडी नहीं गर्म हो जाए, सॉरी, क्योंकि ठंड का मौसम है तो गर्म चाहिए और गर्मी में ठंडा चाहिए, तो क्योंकि हाथ में ठंड लगती ना, तो गोली गोली मैं इनकी टिक्कियाँ बना लूँगी। मैंने इनको भूंजा वगैरह कुछ नहीं है, लेकिन काफ़ी टेस्टी ऐसी बन जाती हैं क्योंकि इसमें इतना सारा पेस्ट वगैरह डाला रहता। और इसके बाद हम ऑयल रख देंगे गर्म होने के लिए, और इतनी हम लोगों के लिए इनफ है, क्योंकि पहले से टिक्किया बना के रख दो तो ज़्यादा तामझाम नहीं रहता है। और बेसन को मैंने घोल के रख दिया है, और यहाँ पे हम ऑयल डालेंगे और फिर मैं अपनी टिक्किया डालूँगी। बेसन में मैंने सिर्फ नमक डाला है, हल्दी बस, और कुछ भी नहीं, क्योंकि लहसुन का पेस्ट वगैरह जो टिक्किया में ऐड है इसी वजह से। और वे आलू का पराठा मैंने जो बनाया था उसकी आलू बची हुई है, उसी की मैं टिक्किया बना रही हूँ। ये मैंने शायद आपको बताया कि नहीं बताया है, उसी की ये टिक्किया बन रही है। फेंकने का इरादा नहीं था और इनका पराठा खाने का मन नहीं था, तो मैंने कहा यही बना लेती हूँ। और इनको मैं अच्छे से डाल दूँगी, जब ये हल्की हल्की सी ब्राउन हो जाएंगी ना, जब ही मैं पलटूँगी, वरना नहीं पलटूँगी। अगर पहले पलट देंगे ना तो सारी ख़राब हो जाएंगी। और इतना डालिएगा कि जितना तेल हो, और एकदम से लोग भर देते हैं ना तो वो उससे ख़राब हो जाता है, तो इतना डालिएगा कि ना तेल बचे और ना बहुत ज़्यादा हो जाए, ठीक है। तो अभी हमारी पक चुकी हैं एक साइड से, तो अभी इनको यार एडिटिंग करते समय मेरा गला ख़राब हो जाता, इसको अच्छे से पलट देंगे, ये देखिए। और आलू को मैंने भूंजा नहीं, क्योंकि कल की थी और पराठे वाली आलू थी, तो लेकिन फिर भी यम्मी बन जाती है। जब हम बच जाता था तो मैं इसी तरह से बना लेती थी, और अच्छी बनती है, ज़रूर ट्राई करिएगा आप। तो ये देखिए मेरी ब्राउन हो चुकी है, पक चुकी है। चाय मैंने दूसरी साइड रख दी है पकने के लिए, यानी बनने के लिए। अब हम इनको निकाल लेंगे, और निकालने के बाद सेकंड वाली डालकर फिर मैं सभी को देती जाऊंगी। ये देखिए इनको निकालने के बाद जो चूरा होता है ना, उसको आप ज़रूर निकाल लीजिएगा, क्योंकि फिर लगने लगता, चिपकने लगता है, चाहे आप खाओ या ना खाओ, बट निकाल लेना। तो अभी मैं यहाँ पे डालूंगी सेकंड वाली, सेकंड वाली के बाद सभी को मैं दूंगी, फिर इसके बाद मैं आप लोगों से थोड़ी देर में मिलूंगी, ठीक है। तो जब मुझे डालना होता, जब भी मैं टिकिया को बेसन में डालती हूँ, इससे अजीब नहीं लगती मुझे, ये देखिए। चलिए फिर मिलते हैं थोड़ी देर में आप लोगों से, ठीक है। तो गाइस सारा काम हो चुका है, फिलहाल मैं आराम से बैठ चुकी हूँ आप लोगों से बातें करने के लिए। तो अभी मैं आपको बता दूँ, जो मैं ड्रेसिंग टेबल क्लीन कर रही थी वो कल मैं नाइट में कर रही थी, क्योंकि मॉर्निंग में टाइम नहीं मिल पाता है और बाबू सो रही है, तो मैंने कहा थोड़ी सी आप लोगों से बातें कर लेती हूँ। बहुत दिन से सोच रही थी करने को, रोज़ तो वैसे एक हाथ दो हाथ मार ही देती हूँ, मतलब क्लीन करती हूँ, बट जो होता ना अच्छा वाला वो नहीं कर पा रही थी, तो फाइनली कल मैंने कर दिया रात में। और दूसरी चीज़ मुझे ये भी इसलिए भी करना था, क्योंकि ये रोज़ झगड़ा करते थे मुझसे, रोज़ झगड़ा करते थे, परेशान हो गई थी मैं। अगर मैं कुछ बोल देती थी तो ये चालू हो जाते थे, गुस्सा लगती थी मैं, और मेरी भी गलती थी, ऐसा नहीं है, मैं बोल देती थी यार तुमको दो मैंने दे रखे हैं, दो जगह मैंने दी है रखने के लिए, तुम मेरे वाले में क्यों रख देते, और ये जानबूझकर मेरे वाले में ठूस देते थे, उसी में गुस्सा आती थी, मैं बोलती थी तो झगड़ा करने लगते थे, चिल्लाने लगते थे, गुस्सा लगती थी। मैंने कहा जब मैं तुम्हें जहाँ दूँ, तो कहते थे जहाँ मेरी मर्जी मैं वहाँ रखूँगा, और कहाँ रखते थे आपको बताओ, जहाँ मेरी, जहाँ हैंगर होता है चूड़ी वाला, वहाँ पर रखते थे। अब सोचिए वहाँ तो मेरा सामान होना चाहिए ना, तो इसी वजह से मैंने, इसी तामझाम की वजह से मैंने कहा हटाओ, ये रोज ऐसी नौटंकी करेंगे, इससे अच्छा मैं इसको शिफ्ट कर देती हूँ ऊपर नीचे। तो जहाँ पर चूड़ी वाला था वहाँ मैंने इनका रख दिया, वो डब्बा घड़ी वाला, और वहाँ पे मैंने क्या रखा, और डब्बा रखा, और इनका जो पर्स वगैरह जो लाते हैं इमरजेंसी में अपना कुछ भी रख देती है जगह, उसमें वो रख देंगे। और उसके नीचे वाले में मैंने इनका ऑयल रख दिया है, परफ्यूम रख दिया, वो सारी चीज़ें मैंने इनकी रख दी है। वो हो गया सबसे ऊपर वाले में, सोचिए चूड़ी वाले में ही नहीं, क्योंकि मैं चूड़ी तो शिफ्ट नहीं कर सकती ना, क्योंकि उसमें बना हुआ है लगाने वाला, तो वो तो मैं नहीं शिफ्ट कर सकती हूँ। तो मैंने अपना सामान बिल्कुल नीचे कर दिया, जो जैसे मेरा लिपस्टिक हो गई, और जो मैं क्रीम लगाती हूँ गुड वाइब्स की, नाइट क्रीम, ये सारी चीज़ें, मॉइस्चराइजर, मिस्ट, ये सारी चीज़ें मैं वहाँ पर रखती हूँ जो मुझे रोज़ का काम रहता है। और जो मैं मेकअप लुक क्रिएट करती हूँ वो मैं अलग रखती हूँ। और एक प्लास्टिक का मैंने डब्बा रखा हुआ, उसमें मैं रखती हूँ काजल, लिपस्टिक, बिंदी, ये सारी चीज़ें रखती हूँ, कि जो मैं डेली यूज में यूज करती हूँ, क्योंकि जो मैं मेकअप लगाती हूँ मैं डेली यूज़ में नहीं, इतना एक्सपेंसिव रोज तो नहीं यूज कर सकते ना, तो जैसे पार्टी वगैरह में, शादी में, या मेकअप लुक क्रिएट करना हुआ, सब करती हूँ, घर में मैं नहीं करती हूँ, तो इसी तरीके से मैं रखती हूँ। और जो मेरा सारा मेकअप वाला सामान रहता है वो अलग रहता है, और बिल्कुल ऊपर वाला खाली है।
मैंने कहा ये रोज तामझाम से अच्छा, चिल्लाने से अच्छा, और सारा हक अपने ही बना के रखे हुए हैं। सोची उसमें लड़कियों का सामान रहता, फिर भी मैंने इनका रख दिया। इनकी आदत हो गई है, तो बस यही है, हम लोगों की नोक झोंक लगी रहती है अलमारी में। उस दिन मैंने अपनी अलमारी क्लीन की, थोड़ी सी साफ सफाई की। ऐसा होता है ना कि रोज गंदी हो जाती है, चाहे जितने अच्छे से क्लीन करो। तो अलमारी मैंने क्लीन की, उसके बाद ये देखे कि हाँ, अपना तो बहुत अच्छे से सजा ली, मेरा तो। अब मैं एक क्या होता है कि जो मैं निकाल के देती ये पहनते नहीं है, ये ऐसा है वो वैसा है ये वो, तो मैं कहती हूँ कि ठीक है मैंने लगा दिया, जो तुमको पहनना वो तुम निकालो, अभी मैं एक निकालूंगी फिर तुम कहोगे, और जब निकालेंगे तो पूरा खराब कर देते यार, पता नहीं कि। लेकिन अलमारी में वैसे भी ये खराब हो ही जाता है, इसके लिए मैं नहीं बोलती हूँ, क्योंकि अलमारी में मैं अपनी बात बता रही, मैं खुद निकालती हूँ ना, कहीं जाती हूँ मेरी पूरी अलमारी फैल जाती है, तो उसमें पूरा मेरा कपड़ा है, और इस वाली में जहाँ मैं बैठी हूँ इसमें इनके पापा का, इनका दोनों का रख रखी हूँ, क्योंकि मेरा थोड़ा सा ज़्यादा है, बाबू का भी ज़्यादा होने लगा है, तो अगर जगह होती तो एक हम बाबू के लिए भी ले लेते। जगह की वजह से इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है यार, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगी। कैसे, मैं पहले था शुरुआत में तो चल जाता था, क्योंकि शादी से पहले उतना सारा तामझाम नहीं होता है, फिर सारी चीज़, पहले मेरी ड्रेसिंग टेबल भी पूरी खाली थी, उतनी ज़्यादा नहीं भरी थी, फिर धीरे धीरे इतना ज्यादा भर गया ना कि देख देख कर कमरा मुझे उलझन होने लगी है। सोच रहे हैं क्या, सोच रहे हैं ठीक है, क्या सोचे यार, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। रूम से एक रूम में बहुत प्रॉब्लम हो रही है, तो चलिए ठीक है, ब्लॉग का एंड यहीं पे करते हैं। हाँ, और बताना भूल गई आप लोगों को, ये है जो मुझसे मेरी कोई मेरी सब्सक्राइबर थी, वो पूछ रही थी दी आप फेस पे क्या लगाते हो, तो मैं गुड वाइब्स का मिस्ट लगाती हूँ जो जासमीन का है, इसमें आपको कई मिल जाएंगे देखने को, जिसमें है रोज है और कई है, कई ऑप्शंस है आपके लिए, आप उसमें से चूज करके ठीक हो, जो आपके लिए बेस्ट हो आप वो ट्राई कर सकते हो। मेरी स्किन टोन बेस्ट यही है जैस्मिन वाला, तो जैसा मुझे लगता है कि मुझे ये चाहिए तो मैं वो ऑर्डर कर लेती, काफ़ी बजट में मिल जाता है, और पर्पल पे हमेशा सेल चलती रहती है, ये सभी को पता है। तो बस, और ये जो मैंने लिपस्टिक लगा रखी है, आप पूछोगे तो इससे पहले बता दूँ, ये है गुड वाइब्स की, और शेड मुझे याद नहीं है, लिंक शेयर कर दूंगी, आप देख लेना, तो बहुत ही अच्छा मिस्ट है, ग्लो भी आ जाता है, तो फिर भी मैं आपको करके दिखा देती हूँ। एक साइड ये देखिए, बहुत ही अच्छा ग्लो आता है, बहुत ही प्यारा है। उधर टाइम में मैं बस इसी को यूज कर लेती थी, तो मैं दोनों साइड नहीं लगाई हूँ, जस्ट आपको दिखाने के लिए। बहुत ही अच्छा मिस्टर, इसकी खुशबू मैं बता नहीं सकती। आप अगर जैस्मिन वाला, अगर जैस्मिन का फूल आपको पता होगा ना फ्लावर्स, तो आपको खुद जानते होंगे कि उसकी कितनी अच्छी जासमीन की खुशबू रहती है ना। पर्सनली मुझे इसकी खुशबू बहुत पसंद है, मजा आ जाता है। अब डिफरेंट देखिए, ठीक है, कुछ भी नहीं है, मेकअप नहीं है, क्रीम लगाई थी मैंने गुड वाइब्स की, ये देखिए, और आपको पता चल रहा होगा, ये देखिए मेरा तिल जो है, देखा, अगर मेकअप रहता तो मेरा तिल नहीं दिखता, ये है मेरा तिल फेस का, जो थोड़ी सी डार्कनेस है वो भी अभी है, तो यहाँ पे मेरे तिल है, जब मेकअप हो जाता तो नहीं दिखता। आप ग्लो देखिए, ये डिफरेंट लग रहा है, नहीं लग रहा है नहीं लग रहा तो कोई बात नहीं, बट मुझसे लग रहा, क्योंकि एक बार मैंने और आप लोगों को ये दिखाया था, तो कुछ लोग उसमें बोल रहे थे डिफरेंट लग रहा है, मुझे तो नहीं दिख रहा कि डिफरेंट लग रहा है, बट मुझे लग रहा था तो मैंने बता दिया। ये वाला तो मैंने जो मेरी प्यारी सी सब्सक्राइबर है उनके कहने पर ये बताया, तो आप जरूर ट्राई करिएगा। तो रखें, बहुत बात कर ली, बात मेरी खत्म नहीं होती है तो चलिए ब्लॉग का एंड करते हैं, मिलते हैं अच्छे से वीडियो के साथ, ओके बाय बाय।